नमस्कार, आज हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे और उसे डिटेल में समझेंगे। आज के इस केस स्टडी में आपको बहुत सारे लेसन सीखने मिलेंगे और ये लेसन आपको फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जरूर काम आएंगे। ग्रेट डिप्रेशन 20th सेंचुरी का सबसे खराब इकोनॉमिक पीरियड रहा है। 1920 से US इकोनॉमी स्पीड लेने लगी। US की इंडस्ट्रीज तब अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी। शुरुआत में अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही थी। 1920 से 1928 इस पीरियड को द रोरिंग 20s कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में US की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। कंपनीज की जबरदस्त परफॉर्मेंस और अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते स्टॉक्स की प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ रही थी, जिससे लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। US की बहुत सारी कंपनीज तब मास प्रोडक्शन का तरीका अपनाने लगी। साथ ही नए अप्लायंसेस डेवलप होने लगे। रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियो, इन जैसे अप्लायंसेस का सेल हर 2 साल में डबल हो रहा था। इन सब चीजों के चलते कंपनीज की शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रही थी। बाकी लोग, जिन्हें स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं थी पर अच्छे रिटर्न्स कमाने थे, वो लोग अब स्टॉक मार्केट से मिल रहे अच्छे रिटर्न्स को देखकर स्टॉक मार्केट में एंटर करने लगे। लोग अपना सारा पैसा बिना सोचे समझे और बिना किसी बिजनेस एनालिसिस किए स्टॉक मार्केट में डालने लगे। यानी जिन्हें स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये भी पता नहीं था, ऐसे लोग भी ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लालच में स्टॉक मार्केट में हेविली इन्वेस्ट करने लगे। अब बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आने की वजह से स्टॉक्स ओवरवैल्यूड होने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया कि स्टॉक्स की प्राइसेस आसमान छू गई और वो बहुत ओवरवैल्यूड हो गई। अगस्त 1929 तक स्टॉक प्राइसेस बहुत ऊंची लेवल पर चली गई थी, जो कि उन कंपनीज के एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एक्चुअली 1929 की शुरुआत से US की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने लगी, जिससे कंपनीज का प्रोडक्शन कम होने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी और जिन लोगों की जॉब बच गई थी उनकी तनख्वाह कम होने लगी। और सूखे की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम में फंसा था, तो इकोनॉमिक डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी। पर इसके बावजूद भी लोग आग बन करके स्टॉक मार्केट में पैसा डालने लगे। 1927 से 1929, इन 2 सालों में US स्टॉक मार्केट की वैल्यू लगभग डबल हो गई थी। तो आप सोच सकते हो कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में अंधाधुन पैसा डाल रहे थे। तो इस तरह अगस्त 1929 तक मार्केट बहुत ही ऊंची लेवल पर चला गया। कंपनीज के शेयर प्राइस उनकी अर्निंग्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। यानी उस टाइम एक स्टॉक मार्केट बबल चल रहा था, जो 24th अक्टूबर 1929 से बर्स्ट होना यानी फटना शुरू हुआ। 24th अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट बहुत गिरा और उसके कुछ ही दिनों बाद यानी 29th अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट और ज्यादा गिर गया। 29th अक्टूबर 1929 को इसलिए ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। ये स्टॉक मार्केट क्रैश अगले कुछ सालों तक इसी तरह चलता रहा। आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आपको ये क्रैश कितना डीप था इसकी आइडिया आ जाएगी। इस स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले जनरल मोटर्स की शेयर प्राइस $90 थी, जो कि 1932 तक $10 तक आ गई थी। इस क्रैश से पहले US स्टील की शेयर प्राइस $250 थी और क्रैश के बाद $25 पर आ गई। इसी तरह कई सारे शेयर की प्राइस 90% तक गिर गई थी। स्टॉक मार्केट में हुई इतनी गिरावट की वजह से ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट मिलना डिफिकल्ट हो गया। साथ ही स्टॉक मार्केट में हुए लॉसेस की वजह से और जॉब खोने की वजह से लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, जिसका सीधा असर कंपनीज के प्रोडक्शन पर पड़ा। कंपनीज को अपने प्लांट्स बंद करने पड़े और बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। 2-3 सालों में ही US का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधा हो गया, जिससे US की अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, इसलिए वो बैंक में रखी हुई अपनी सारी जमा पूंजी निकालने लगे। अब बैंक्स के पास भी इतनी लिक्विडिटी नहीं थी कि वो सारे डिपॉजिटर्स को एक साथ उनका सारा पैसा दे सके, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी लोगों को लोन दे चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जिन लोगों ने पहले लोन लिया था वो अब जॉब खोने की वजह से उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली कंपनीज भी खराब परफॉर्मेंस कर रही थी और कुछ तो बंद भी पड़ गई थी। इन सारी चीजों का सीधा असर बैंक्स के ऑपरेशन पर पड़ा, क्योंकि एक तरफ बैंक्स जिन्हें उन्होंने लोन दिया था उनसे पैसा रिकवर नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट रखा था वो पैसा निकाल रहे थे। अब ऐसी हालत में बैंक के पास अपने सारे डिपॉजिटर्स का पैसा उन्हें रिटर्न करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं था, जिसकी वजह से बैंक्स फेल होने लगे, जिससे कई सारे लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि बैंक्स फेल हो रही है, तो US के सारे लोग अपनी सारी जमा पूंजी बैंक से निकालने लगे, जिससे बैंक्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। 1933 तक करीब 8,000 बैंक्स फेल हो गई थी और बैंक्स फेल होने की वजह से मनी सप्लाई बहुत ही कम हो गया था। लोगों का तो US के फाइनेंशियल सिस्टम से भरोसा ही उड़ गया था, इसलिए लोग अपना पैसा घर में ही रखने लगे। मनी सप्लाई कम होने की वजह से US इकोनॉमी और प्रॉब्लम में फंसती चली गई। इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए गवर्नमेंट और US के सेंट्रल बैंक ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, ना ही उन्होंने इकोनॉमी में कोई पैसा सर्कुलेट किया, वो बस इस डाउनफॉल को देखते रहे। मिस्टर हूवर, जो कि 1929 के क्राइसिस के वक्त US के प्रेसिडेंट थे,
उन्हें लगा कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से लोगों की तनख्वाह कम हो जाएगी और उसे रोकने के लिए उन्होंने वस्तुओं के दाम ऊंचे ही रहने दिए। यूएस में पहले ही गरीबी बहुत बढ़ चुकी थी और कई लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा भी नहीं था। कईयों ने अपने मकान बेचकर पैसों का इंतजाम किया। अब ऐसी हालत में लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऊंचे दाम पर वस्तुओं को खरीद सके, इसलिए यूएस के लोग दूसरे कंट्री से आ रहा सस्ता माल खरीदने लगे। दूसरी कंट्री से आ रहे सस्ती प्राइस की प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए मिस्टर हुअर ने 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लागू किया, जिसके तहत दूसरी कंट्री से आने वाले करीब 20,000 प्रोडक्ट्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए, ताकि उनकी प्राइस भी यूएस में बनने वाले प्रोडक्ट्स जितनी ही हो जाए और लोग यूएस में बनने वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदे। इस टैरिफ के बाद यूएस का इम्पोर्ट $7 बिलियन से $2.5 बिलियन तक आ गया। बाकी कंट्रीज भी यूएस का महंगा माल नहीं खरीद रही थी और कई कंट्रीज ने यूएस के माल पर भी टैरिफ लगा दिया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड कम होने लगा और यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब होती चली गई। तो मिस्टर हुअर की ये दोनों डिसीजंस, यानी प्रोडक्ट्स के दाम ऊंचे रखना और स्मूथ हॉली टैरिफ टैक्स लागू करना, ये दोनों भी डिसीजंस बहुत ही गलत साबित हुए हैं और यूएस इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई। 1933 में मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने। चुनकर आने के 100 दिनों के अंदर ही उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए और 42 नई एजेंसीज शुरू की, जैसे कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, SEC एटसेट्रा। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लोगों को गारंटी देता है कि जो पैसा उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो पैसा अगर वो बैंक फेल भी हो जाती है तो गवर्नमेंट उन्हें रिटर्न करेगी, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने लगे, जिससे इकोनॉमी को काफी हेल्प हुई। यूएस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए SEC, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया गया। मिस्टर रूजवेल्ट रेगुलरली रेडियो के जरिए लोगों को गाइड करते रहे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बना रहे। 1933 से 1936 के बीच यूएस इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव हुई, पर 1937 में यूएस इकोनॉमी फिर से दिक्कत में आ गई और फिर जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, तब जाकर यूएस इकोनॉमी फिर से अपने ग्रोथ ट्रैक पर वापस आई। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने मिलिट्री पर बहुत पैसा खर्च किया, जिससे यूएस इकोनॉमी में फिर से जान आ गई और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिस्टर रूजवेल्ट की नई पॉलिसीज से काफी हद तक रिकवरी में मदद हुई, पर पूरी रिकवरी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम हुई। तो इस तरह ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 तक चला और फिर बाद में यूएस इकोनॉमी ने क्या ग्रोथ दिखाई, ये सबको पता है। इस ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अंडरवैल्यूड हो गए थे और जिन इन्वेस्टर्स ने इन डिस्काउंट्स का पूरा फायदा उठाया, उन्हें अगले कुछ सालों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिले। सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने इस डिप्रेशन से बहुत कुछ सीखकर अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी बनाई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पता चले और वो भी इस केस स्टडी से कुछ लेसन ले सके। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।